संसद में सवाल नहीं पूछ पाते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। भगवान है क्या वहाँ पर? प्रोटोकॉल है, धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में यहाँ से यहाँ सड़कें खराब है, मेन सड़क में जाम लगता है, एक बाईपास की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर शहर जाना पड़ता है, एक मेडिकल कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है, छोटे टेक्निकल पढ़ाई के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है, यूनिवर्सिटी काफी दूर है, यूनिवर्सिटी के सेशन लेट होते हैं, पलायन करने के लिए लोग विदेशों में जाते हैं, हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, धड़धड़ा के खाली सवाल पूछे, तारीफे में लगल रहते, ये नहीं समझ में आ गया। एक पहचान बनना चाहिए कि आदमी खड़ा होगा तो खाली सवाल पूछबे करेगा, पानी पिला के रख दे यहाँ पर। यदि आपके आपकी आज्ञा, आपके पास हमें ऐसा पढ़ाया गया कि आपके पास बहुत शक्ति है, आप हमारी इन मांगों को पूरा कर सकते हैं, और अगर नहीं पूरा कर सकते हैं तो शायद हमने गलत पढ़ लिया था। धन्यवाद। रुको जरा, सबर करो। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊँ नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है, IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए, और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को SC ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना, वो मुकदमे तुरंत वापिस होने चाहिए। माननीय सभापति जी, प्रेस जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ साथ सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, UP सिपाही भर्ती सभापति जी, और 9000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं, आप बोलिए। एक मिनट, धन्यवाद धन्यवाद सभापति जी। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया, और महिलाओं में भी स्पेशली दलित पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर, जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी, बस समाप्त कर रहा हूँ, नोटबंदी पे छोटे मजदूर दो की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में OBC ST ST के योग्य अभ्यर्थी को NFS करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं, और उनको जब सर उचित वेतन भी नहीं मिलता तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पे यूपी पुलिस सर बहुत पूरा काम करते हैं वो लोग, वो राज्य के विषय हैं, आप सर मैं आपके आपके राज्य सरकार के के लिए भी आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ विषय सर, पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत कठिन बातें हैं, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगति, वोटर स्कीम से उनको जो